सनसनी ऑफ इंडिया। निजामुद्दीन थाना इलाके में फरीदाबाद के एक व्यवसाय से बंदूक की नोक पर हुई 50 लाख की लूट को इंस्पेक्टर राजीव बमल एंटी एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की टीम ने मात्र 10 घंटे के अंदर सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। आरोपियों ने फरीदाबाद के व्यवसायी को CSR के तहत NGO को मिलने वाले फंड के लालच में फंसाया। आरोपी जब 40% एक्स्ट्रा पैसा मिलने के लालच में नग 75 लाख रुपए लेकर पहुंचा तो उसे एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं मिला, लेकिन उल्टा बंदूक की नोक पर उससे 50 लाख रुपए लूट लिए गए। आरोपियों को इस बात का पूरा भरोसा था कि पीड़ित के पास 50 लाख की ब्लैक मनी है, अगर उससे पैसे लूट लिए जाए तो वो पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगा। लेकिन आरोपियों की प्लानिंग तब धरी रह गई जब पीड़ित ने 50 लाख लूट की शिकायत पुलिस में कर दी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बागपत उत्तर प्रदेश निवासी 19 वर्षीय आकाश शर्मा और एक नाबालिग के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से क्राइम में इस्तेमाल एक स्कूटी, लूटी गई 50 लाख की नकदी और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। दिनांक 10 फरवरी को दोपहर लगभग 3:15 बजे थाना हजरत निजामुद्दीन में एक लूट की PCR कॉल प्राप्त हुई। पीड़ित आशीष चौहान की शिकायत पर थाना हजरत निजामुद्दीन में डकैती का मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका कंस्ट्रक्शन का कारोबार है। आरोपियों ने उसे CSR फंडिंग के नाम पर एक 14 जनपुरा एक्सटेंशन बेसमेंट में सर्वजीत नाम के एक व्यक्ति के कपड़े के गोदाम पर बुलाया था, जिसमें उसको बताया गया था कि अगर वो नगद पैसा लेकर आएगा तो हाथों हाथ 40% का इजाफा करके उसकी कंपनी में RTGS कर देंगे। आरोपियों के झांसे में आकर पीड़ित पैसा लेकर पहुंचा तो आरोपियों के साथ आए दो लड़कों ने बंदूक की नोक पर नकदी लूट ली और भाग गए। क्राइम ब्रांच के विशेष पुलिस उपायुक्त रविंद्र सिंह यादव ने दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर हुई लूट की वारदात को जल्द से जल्द सुलझाने और आरोपियों को दबोचने के लिए एक्सटॉर्शन एंड किडनैपिंग सेल क्राइम ब्रांच सनलाइट कॉलोनी की टीम को जिम्मेवारी सौंपी। जिम्मेवारी मिलते ही सुशील कुमार ACP ने इंस्पेक्टर राजीव बमल के नेतृत्व में SI श्याम बिहारी शरण, नरेश कुमार, SI रोहित सोलंकी, मोहम्मद तालीम, संजीव, हेड कांस्टेबल गुरविंदर, सोमेश, तेज प्रताप, यूनुस और कांस्टेबल अनुज की एक टीम का गठन किया। क्राइम की मोडस ऑपरेंडी से इंस्पेक्टर राजीव बमल को पूरी कहानी समझते देर नहीं लगी। इंस्पेक्टर बमल ने जांच में पाया कि आरोपियों ने पहले पीड़ित को CSR फंडिंग के तहत नगद पैसे के बदले हाथों हाथ 40% एक्स्ट्रा पैसा मिलने के लालच में फंसाया और फिर प्लानिंग से लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। इंस्पेक्टर राजीव बमल ने एक बात का और अंदाजा लगा लिया था कि आरोपियों को शक होगा कि पीड़ित के पास 50-75 लाख की ब्लैक मनी है, अगर उससे पैसे लूट लिए जाए तो वो पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगा, इसलिए परिचित लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। इंस्पेक्टर राजीव बमल की टीम ने क्राइम सीन के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले तो दोनों आरोपी लड़के वारदात को अंजाम देकर स्कूटी पर भागते नजर आए। जांच में क्राइम टीम को आरोपियों का मोबाइल नंबर तो मिल गया था, किंतु वारदात के तुरंत बाद आरोपियों ने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिया था। आरोपियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले से भी क्राइम टीम को किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली। इंस्पेक्टर राजीव बमल आरोपियों को लूट की पूरी रकम के साथ दबोचना चाहते थे और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, इंस्पेक्टर बमल को एक डर सताने लगा कि आरोपी कहीं लूट की रकम को ठिकाने न लगा दे। क्राइम सीन से मिले CCTV फुटेज में टीम को क्राइम में इस्तेमाल स्कूटी का नंबर मिल गया। इंस्पेक्टर राजीव बमल ने बदमाशों को दबोचने के लिए कुछ अलग से हटकर सोचा। स्कूटी के नंबर की मदद से क्राइम सीन से करीब 110 किलोमीटर के दायरे में लगे 200 से अधिक NPR कैमरे को खंगालते जांच टीम बदमाशों की तलाश में बागपत तक पहुंच गई। बागपत से आगे के NPR कैमरों में स्कूटी का नंबर कैप्चर नहीं हुआ था, इससे जांच टीम ने अंदाजा लगाया कि आरोपियों का बागपत से कोई न कोई लिंक जरूर है। टीम के हेड कांस्टेबल गुरविंदर का दिल्ली NCR में मुखबिरों का तगड़ा नेटवर्क है। हेड कांस्टेबल गुरविंदर को मुखबिरों की मदद से बागपत में आरोपियों के सही ठिकाने की जानकारी मिल गई। हेड कांस्टेबल गुरविंदर की इन्फॉर्मेशन पर टीम ने बागपत आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी कर 19 वर्षीय आकाश शर्मा और एक अन्य को दबोच लिया। जांच में पता चला कि दूसरा आरोपी नाबालिग है। आरोपियों के कब्जे से क्राइम में इस्तेमाल एक स्कूटी, लूटी गई 50 लाख की नकदी और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जोवन जोशी नामक व्यक्ति के साथ मिलकर पीड़ित आशीष चौहान को फंसाने की योजना बनाई। घटना के दो दिन पहले दोनों ने मीटिंग पॉइंट की रेकी की थी और क्राइम करने के बाद भागने की रणनीति के तहत अपनी स्कूटी बगल की गली में खड़ी कर दी थी। वारदात में इस्तेमाल हथियार आरोपी आकाश के चचेरे भाई शिवम ने अरेंज किया था। दिनांक 10 फरवरी को जब सभी जनपुरा में सरबजीत सिंह के कपड़ा गोदाम में बैठक के लिए एकत्रित हुए, पीड़ित आशीष चौहान ने 50 लाख गिनकर दो बेगों में रख दिए।
योजना अनुसार आरोपियों ने पीड़ित पर तमंचा तानकर उसे धमकाया और नकदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। आरोपियों को लगता था कि पीड़ित की यह ब्लैक मनी है, पीड़ित इसकी पुलिस में शिकायत नहीं करेगा, इसलिए वारदात को अंजाम देकर बेफिक्र होकर बागपत में अपने गांव में आकर सो गए थे। 19 वर्षीय आरोपी आकाश शर्मा गांव कथा बागपत यूपी का रहने वाला है। यह एक पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रथम वर्ष में पढ़ रहा है। इसके पिता का देहांत हो चुका है और माँ हाउस वाइफ है। इसके 3 भाई बहन है। दूसरा आरोपी नाबालिग है और उसके कहने पर ही आकाश शर्मा वारदात में शामिल हो गया था। आरोपियों ने पीड़ित को अपने जाल में कैसे फंसाया, सुनिए पूरी कहानी। पीड़ित आशीष चौहान ने पूछताछ में बताया कि रविकांत शर्मा नाम का उसका दोस्त उसके साथ कंस्ट्रक्शन का काम करता है। पीड़ित को कुछ पैसे की जरूरत थी, इसको लेकर दिसंबर 2022 के लास्ट वीक में उसके दोस्त रविकांत शर्मा ने उसकी मुलाकात विकास नाम के लड़के से यह कहकर करवाई कि यह लोन और CSR फंडिंग का काम भी करता है। रविकांत शर्मा ने आगे बताया कि वो विकास को नकद पैसे देते हैं और यह किसी कंपनी के खाते के द्वारा 40% का इजाफा करके हाथों हाथ हमारी कंपनी में RTGS करवा देता है। इसी सिलसिले में विकास ने 24 जनवरी को दिल्ली में पीड़ित आशीष चौहान और उसके दोस्त रविकांत शर्मा की एक सुरेंद्र नाम के व्यक्ति से मुलाकात करवाई। सुरेंद्र नाम के व्यक्ति ने पीड़ित आशीष चौहान और उसके दोस्त रविकांत शर्मा को 26 जनवरी 2023 के बाद CSR फंडिंग से पैसा दिलाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद विकास ने 4 फरवरी को HR जनपुरा एक्सटेंशन बेसमेंट में सर्वजीत और कमल नाम के व्यक्ति से मीटिंग करवाई। 8 फरवरी को विकास ने पीड़ित आशीष चौहान और उसके दोस्त रविकांत शर्मा को बताया कि 10 फरवरी को उनका काम हो जाएगा। विकास ने पीड़ित को 75 लाख रुपए लेकर HR जनपुरा एक्सटेंशन आने को कहा। विकास ने पीड़ित को बताया कि 1 करोड़ की डील होगी जिसमें 25 लाख वो मिला देगा। 10 फरवरी को करीब 10:30 बजे पीड़ित आशीष चौहान और उसका दोस्त रविकांत शर्मा 75 लाख रुपया लेकर HR जनपुरा एक्सटेंशन पहुंचे। बेसमेंट में मौजूद कमल के कहने पर पीड़ित अपने दोस्त के साथ रेलवे क्वार्टर में गाड़ी खड़ी करके गाड़ी में ही बैठ गया। उसके बाद करीब 11:15 बजे सुरेंद्र उनके पास आया और बोला कि 50 लाख लेकर मेरे साथ सर्वजीत के ऑफिस में चलो। पीड़ित गाड़ी में 25 लाख छोड़कर 50 लाख रुपया लेकर HR जनपुरा एक्सटेंशन सर्वजीत के ऑफिस में गया। सर्वजीत के ऑफिस में पहले से ही 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, उनमें से एक का नाम पीड़ित को अंकुर उर्फ आकाश बताया गया था। बातचीत में पीड़ित को पता चला कि अंकुर उर्फ आकाश कमल और सुरेंद्र का जानकार है। बातचीत में पीड़ित को आगे पता चला कि अंकुर उर्फ आकाश की मुलाकात कमल और सुरेंद्र से हितेश ने करवाई थी और हितेश से अंकुर उर्फ आकाश को जोवन जोशी ने मिलाया था। इसके बाद पीड़ित ने सभी के सामने टेबल पर रखकर पैसों को गिना। उसके बाद सर्वजीत ने 2 बैग दिए और पूरे 50 लाख रुपए उन दोनों बैगों में रख दिए। उसके बाद अंकुर लैपटॉप से 50 लाख में 40% का इजाफा करके पीड़ित के अकाउंट में RTGS करने लगा, किंतु सर्वर डाउन होने की बात बोलकर बाथरूम में चला गया। इसके बाद अंकुर ने अपने दोस्त को कॉल करके बाथरूम में बुला लिया। करीब 1:35 बजे अंकुर और उसका साथी बाथरूम की तरफ से आए। अंकुर के साथी ने दोनों हाथों से एक शॉटगन पीड़ित की और तान दी। उसके बाद अंकुर और आकाश ने नोटों से भरे दोनों बैग उठा लिए और बंदूक का डर दिखाकर बेसमेंट से ऊपर की तरफ भागे। जाते समय बाहर से बेसमेंट का गेट बंद कर गए। पीड़ित के शोर मचाने पर किसी ने बाहर से गेट खोल दिया। उसके बाद पीड़ित ने PCR कॉल करके लूट की जानकारी दिल्ली पुलिस को दी। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर
तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या, तो कहीं हत्या। कहीं साजिश, तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।